आपने मैक्रोनी कई तरीके से बना के खाई होगी, लेकिन ठंडियों में जो मैक्रोनी बनती है ना, मतलब जो टेस्ट रहता है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सब्जियां इतनी बढ़िया बढ़िया आती हैं और जो कि अच्छा टेस्ट देती हैं। हरी भरी सी सब्जियां डाल के बनाओ। मुझे जो मिलता है ना, मैं वैसे सब डालती हूँ सब्जियों में। बाकी आपको किसी भी तरह का पास्ता मैक्रोनी ले लेना है और पानी और थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर ना अपनी सारी फेवरेट वेजीज काट लो, मतलब जो भी आपको पसंद हो। मैंने तो टमाटर प्याज शिमला मिर्च काट के रख लिया था, फिर मुझे लगा कि टमाटर को ग्राइंड कर लेना चाहिए। 8-10 फिर काली मिर्च कूट ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया। और इस तरीके से ना मेरे यहाँ सभी लोगों को बहुत पसंद है बना के, मतलब खाना। ठंडियों में तो थोड़ा गरम गरम सा ये सब मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। आपको कढ़ाई में डालना है ऑयल 3-4 चम्मच, थोड़ा सा ही डालना है। लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती ऑयल की। थोड़ा सा डाल के गरम करना है, उसमें जीरा डालना थोड़ा सा, और 1 चम्मच डालना है आपको राई। अच्छा सा कड़का लेना है, तड़का लगा लेना। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल देना, अदरक लहसुन का आप पेस्ट डाल देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा ज़्यादा डाला, मैंने 8-10 कलियाँ लहसुन की डाली हैं। और ये देखो मटर, मटर में पेड़ उग गया है। लहसुन की कली को डाल के, अदरक को डाल के अच्छे से भून लेना है पहले तो। फिर प्याज मटर और शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा नमक डाल देना, अच्छे से भून लेना सभी को। मटर मैंने छील के रात को रख दी थी और सुबह उसमें देखा तो वो पेड़ उग गया। फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे हम कूट के, जो हमने रखा हुआ था। हल्का सा सॉटे करना है सब्जियों को, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। पास्ता मसाला रखा था मैंने, थोड़ा सा ये डाल दिया। मैगी मसाला भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। नहीं डालना है तो चल जाएगा, नहीं भी डालोगे तो भी अच्छा लगेगा। सिर्फ पास्ता मसाला है, मैगी मसाला में भी बहुत अच्छा बनता है। मसाले डाल के अच्छे से भून लेना है। मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हमें टमाटर की प्योरी डाल देनी है। टमाटर की प्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब कटे हुए टमाटर से, क्योंकि अच्छे से भुन जाती है, अच्छे से मिक्स भी हो जाती है सभी जगह। और ना अगर आपको खड़े मसाले डालने हो तो वो आप ना हल्का सा भून के और फ्राई करके डाल सकते हो। जैसे मैगी पास्ता मसाला नहीं है तो खड़े मसालों को भून लो और ग्राइंड करके डाल सकते हो। फिर थोड़ा सा यहाँ मैंने टोमेटो केचप डाल दिया था, बट मैं वीडियो नहीं ले पाई तो मैंने फिर से थोड़ा सा डाला एक्स्ट्रा में। ऐसे मेरे यहाँ सब लोग बहुत पसंद करते हैं टोमेटो केचप डाल के खाना, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं ऐसे सिंपल पास्ता ही पसंद करती हूँ। सॉसेस ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, सोया सॉस भी आप डाल सकते हो, मेयोनीज भी डाल सकते हो। मुझे तो सिर्फ टोमेटो केचप में ही सही लगता है, और बना तो बहुत टेस्टी था, सही बता रही हूँ मैं। बाकी ट्राई करना, बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके भी मुझे बताना। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हमारा पास्ता बनके रेडी हो जाता है। तो मैं हरा धनिया डालना कभी नहीं भूलती हूँ, हरा धनिया डाल के ही मैं खाती हूँ। आप लोग को पसंद आए ना आए, मेरे घर में लेकिन बहुत पसंद करते हैं। पता नहीं हरा धनिया क्यों नहीं डालते पास्ता में, मतलब अपन अपने तरीके से भी बना सकते हैं ना। मुझे तो देखो बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करना, पसंद तो ज़रूर आएगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करके मुझे बताना कि कैसा बना है। बाकी रेडी है हमारा मैक्रोनी, जो भी बोलते हैं पास्ता। थैंक यू सो मच एवरीवन।